हरि ओम प्रणा देवी सरस्वती वाजे भिर्वाजिनीवती धीना पवित्र्यवतो आनो दिवो बृहत पर्वदादा सरस्वती यजत हवन देवी जुजुषाणा कृताची शक्मान नो वाचमुषते शृणोतु आयंगो पृष्टिरक्रमी प्रखर वक्ता है आज के एक मंच भी आए और महत्वपूर्ण पदों पर सुधारणा पूछे और श्री विक्रम शर्मा जब स्वागत करते हुए हम स्वयं को धन्यवाद दे रहे हैं। संगणक यानी कि कंप्यूटर में भी दक्ष है कई इस प्राचीन धर्म और ये एक श्रृंखला है हर वर्ष इसी प्रकार और इस उद्देश्य होता है कि ये जानकारी हर घर तक पहुंचे। बहुत बहुत मुबारक। 18,000 से अधिक सिंपल और कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर्स किए हैं। कार्डियोवैस्कुलर डिजीज के बारे में जानकारी फैलाने के लिए उन्होंने 350 से अधिक इन सब ने इस कैलेंडर के लिए और इसी के मंच पे पढ़ा रहा हूँ श्री राजकुमार रंगर जी को। श्रीमान राजकुमार रंगर अपना निवेदन कर रहा हूँ SBSSF इन पर है। मेरे दोस्त अंकुश जी मेरे साथ आए, मेरे मुखला भाई जिनमें अमित गुप्ता जी जो वाइस प्रेसिडेंट हैं बार एसोसिएशन के, जनरल सेक्रेटरी श्री परवेश जी, मुझे कहा गया है कि सभा को संबोधित करें। थोड़ी सी ज्यादती की है आपने, इतने महान वक्ताओं के बीच में आपने मुझे बोलने के लिए कहा। किसी को पढ़ाया लिखाया है तो भी या तो थोड़ी बहुत हमें सीखी हो, बेसिक पैरा जिसको बोलते हैं, बोलना जो फ्लुएंटली सीख गया। इस पंचांग में आज तक किसी तो आपने पंचांग को माना है और प्रमाण सही माना है, एक बहुत इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। साथ ही जिस श्लोक का इन्होंने हर एक अंश बोला आपने, मैं उसको पूरा बोल देता हूँ। अयम निजः परो व्यक्ति गणना लघु चेतसा उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुम्बकम्।
श्री विक्रम शर्मा जी, अभी राकेश बता रहे थे कि रोहित में यह काबिलियत है कि वो भिन्न भिन्न धाराओं के लोगों को एक मंच के ऊपर इकट्ठा कर देते हैं। मुझे लगता है कि सभी बार को और जो गए हुए उप प्रधान हैं उनको भी लेकर के आए हैं, ये एक अपने आप का अनुभव होना है। पार्ट के प्रधान श्री विक्रम शर्मा जी, मदन मोहन झा जी को यद्यपि हम उनके प्रांगण में हैं, उन्हीं के सभागार में हैं, और जितनी ऊर्जा और जितना स्नेह उन सब तरह की गतिविधियों में दिखाते हैं, वो हम सबको भी उनके प्रति आकर्षित करता है। इस कार्यक्रम में वो आज सम्मानित अतिथि के रूप में यहाँ पर उपस्थित हैं, उनका भी और मेरे समक्ष ऐसे बहुत से सज्जन बैठे हैं जिनको मंच के ऊपर बैठना चाहिए था, शायद कार्यक्रम के नियमानुसार कुछ एक को सामने बैठाया गया है। रोहित से कहता रहा, आप सबने वो कहानी सुनी होगी, एक इंसान उसका बच्चा अक्सर मिट्टी खाता था, बहुत मिट्टी खाता था और मानता नहीं। उसको एक स्वामी जी के पास लेकर के गए और स्वामी जी को बोला कि महाराज, ये हमारा बच्चा मिट्टी बहुत खाता है, इसको कुछ बताइए, कोई मंत्र दीजिए, कोई मिट्टी पिलाइए ताकि मिट्टी खाना छोड़े। उन्होंने कहा अच्छा, बच्चे को बुलाया और फिर कहा अच्छा, 2 महीने के बाद आ। 2 महीने के बाद आया तो बच्चे को बुला करके कहा, बेटा मिट्टी नहीं खाना, और कहा जाओ। उन्होंने कहा महाराज, ये तो आप 2 महीने पहले भी मुझे कह सकते थे, बच्चे को बोल सकते थे कि मिट्टी नहीं खाना। तो महाराज बोले कि उससे पहले मैं भी खाता था, और क्योंकि विषय और पंचांग का विषय, कई लोग तर्क देते हैं और बहुत बड़ा तर्क है कि पंचांग की उपयोगिता क्या है, क्यों होना चाहिए। आज के वैज्ञानिक युग में मुहूर्त किसके, कई ऐसे समाज हैं जो मुहूर्त मानते ही नहीं, क्या उनके जीवन सफल नहीं होते, क्या उनके जीवन में ज्यादा यातनाएं आती, और जो मानते हैं क्या वो हमेशा सुखी रहते हैं। पर प्रसंग है कि राजभवन को तैयार किया जा रहा है, फूल मालाएं चढ़ाए जा रहे हैं, सभी राजाओं को निमंत्रण दिए गए हैं, मिठाइयां बनाई जा रही हैं, और अवसर क्या है, राजा अभिषेक हो रहा है। हमारे मंत्र रोहित शास्त्री जी और इस सभागार में बैठे हुए सारे बहुत ही परमादरणीय महान बाप, और विशेषकर मानजो विक्रम जी के साथ आए हुए उनके सारे वकला सहमान, की बात बड़े संक्षेप में आदरणीय शक्ति जी ने रखी और उनको विषय का और खसूस तौर पर सनातन की जानकारी में चाहता था कि आज उनका हम सत्संग ज्यादा सुने। रोहित जी तो अवसर प्रदान करते हैं और मुझे पता है कि अच्छे वक्ता हैं विक्रम जी भी, लेकिन भूमिका नहीं बनी हुई थी। जब पहले इन्वेडर्स हिंदुस्तान में आया था उस
भारत वर्ष में भले लोग आईएसआईपीएस बने हैं, बन रहे हैं। हम दूसरा एक उदाहरण उसमें दूंगा, तो हम ऐसे देखे हैं, ऐसे आईएएस को देखे हैं जो मैथमेटिक्स से ऑनर्स किया, मैथमेटिक्स छोड़ के संस्कृत सब्जेक्ट उस स्तर पर पढ़ के और फिर संस्कृत उसको इजी लगा और संस्कृत से आईएएस किया, संस्कृत पेपर लेके। तो संस्कृत पढ़ के क्या नहीं बन सकते हैं, चाहे वो क्लर्कियल से लेके ऑफिसर रैंक तक सब में संस्कृत से जा सकते हैं। जब जा सकते हैं तो संस्कृत को क्यों न प्रमोट करें। दूसरी बात है कि संस्कृत केवल पूजा पाठ के लिए क्यों, सब जगह तो संस्कृत है। और कौन ऐसा व्यक्ति है जो अपने घर में संस्कृत को पूरा इग्नोर कर देते हैं, कुछ न कुछ जो भी कहिए संस्कृत तो उसके जीवन में दैनंदिन में कभी न कभी प्रतिदिन है। जब प्रतिदिन है तो उसको हम अपराधिक क्यों नहीं है। पंचांग कैलेंडर जो है जिसपे हमारा सनातन का सारा सिरिश्ता है, इसको आप ट्रेडिशनल स्पिरिचुअल साइंस भी कह सकते हैं और आज की मॉडर्न साइंस भी कह सकते हैं। तो आज उसका पांचवा अंक जो है बाबा कैलकनाथ ज्योतिष और वैदिक जो हमारा ट्रस्ट है जिसके अध्यक्ष हैं श्री महंत रोहित शास्त्री जी, तो आज उन्होंने अपना पंचांग जो है वो यहाँ पे उसका अनावरण हुआ है। तो आज उस उपलक्ष्य में हम इस सभागार में इकट्ठे हुए हैं।